जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी बढ़ता जा रहा है, जो जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसा ही एक बयान दिया है जयंत चौधरी ने भी, उन्होंने कहा है कि इतना बटन दबाओ कि बीजेपी वालों की चर्बी उतर जाए। हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के सांसद हरना सिंह यादव। बीजेपी के वालों की चर्बी उतारने की बात कर रहे हैं जयंत चौधरी कि इतना बटन दबाओ सपा आरएलडी गठबंधन के पक्ष में कि चर्बी उतर जाए। देखिए, एक तो मैं आपको पहले ये बता दूं कि इतिहास गवाह है कि समाजवादी पार्टी के साथ जिस दल ने समझौता किया है उसको बाद में पछताना पड़ा है, और आरएलडी ने पहले भी समझौता किया है, कांग्रेस ने किया है, बसपा ने किया है, समाजवादी पार्टी ने सबको ठिकाने लगा दिया, सब पछता रहे हैं। और इसी तरीके से एक दिन वो आएगा कि जयंत चौधरी भी और इस मेल मिलाप के लिए क्या नाम है पछतावा करेगा, और इस प्रकार के बयान देकर के वो क्या अपने समर्थकों को संदेश देना चाहते हैं ये नहीं समझ आता है। इस प्रकार की हल्की बातें राजनीतिक क्षेत्र पर, हमारी राजनीतिक प्रतिद्वंदता है कोई, हमारी दुश्मनी थोड़ी है जो इस प्रकार की भाषा बोलनी चाहिए कि चमड़ी उतार देंगे, बक्कल उतार देंगे, इस प्रकार की भाषा जो है राजनीतिक क्षेत्र की भाषा नहीं है, इस मन को सुधार करना चाहिए। जयंत चौधरी की बात की जाए तो पिछले कुछ समय से काफ़ी ज़्यादा आक्रामक नजर आ रहे हैं, खासतौर पर जब से जो है प्रवेश वर्मा के घर में बैठक हुई है, ये कहा गया कि जयंत चौधरी गलत रास्ते पर चले गए, उसके बाद से लगातार उनके इस तरीके के बयान आ रहे हैं कि मैं कोई चवन्नी नहीं हूँ, या फिर जो है कल उन्होंने जो है हेमा मालिनी तक का जिक्र कर दिया अपनी एक सभा में। देखिए, 10 तारीख के बाद उनको निश्चित तौर से ये एहसास हो जाएगा कि हमने जो समझौता किया ये गलती किया है, और जिस प्रकार से वो आक्रामक हो रहे हैं इससे उनके वोटर पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। आम जनता इस प्रकार की अभद्र और उद्दंड भाषा को कभी भी पसंद नहीं करती है, और पूरे चाहे किसी भी जाति बिरादरी को, चाहे जाट हो, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, अनुसूचित हो, पिछड़े वर्ग हो, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 वर्ष में जो काम किया है उसका लोगों के दिल दिमाग पर असर है। और सबसे बड़ा जो असर है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विशेष तौर से जिस प्रकार की गुंडागर्दी और अपराधियों की गिरफ्त में पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश आ जाता है, उससे लोगों को पूरी मुक्ति। सबके बीच में अखिलेश यादव के खिलाफ कांग्रेस उम्मीदवार नहीं दे रही है, ना ही शिवपाल यादव के खिलाफ। देखिए, ऐसा है, ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे अन्य सारे विपक्षी दल हो, इनके जो रक्त कण हैं बिल्कुल एक ही प्रकार के हैं, तो ये कोई अस्वाभाविक नहीं है। और फिर कांग्रेस का तो वहाँ 5 वोट नहीं है, उनके लड़ने और न लड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी साफ तौर पर बीजेपी के सांसद हरनाथ सिंह यादव जो कह रहे हैं कि भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए और कांग्रेस ने उम्मीदवार नहीं दिया तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अंकित गुप्ता, बीपी न्यूज़, दिल्ली। ABP News, आपको रखे आगे।